ये पूजा होमादि की विधि। अग्निदेव कहते हैं, मुनीश्वर निम्नांकित मंत्र का उच्चारण करते हुए साधक याग मंडप में प्रवेश करें और सजावट से यज्ञ के स्थान की शोभा बढ़ावे तथा निम्नांकित श्लोक पढ़कर भगवान को नमस्कार करें। वेदों तथा ब्राह्मणों के हितकारी देवता अव्ययात्मा भगवान श्रीधर को नमस्कार है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद आपके स्वरूप हैं, शब्द मात्र आपके शरीर हैं, आप भगवान विष्णु को नमस्कार है। सायंकाल सर्वत्र भद्रादि मंडल की रचना करके यजन पूजन संबंधी द्रव्यों का संग्रह करें, हाथ पैर धो लें, सब सामग्री को यथास्थान जांचाकर हाथ में अर्घ लेकर मनुष्य उसके जल से अपने मस्तक को सींचे, फिर द्वार देश आदि में भी जल छिड़के, तदनंतर द्वार याग द्वारस्थ देवताओं का पूजन आरंभ करें। पहले तोरणेश्वरों की भलीभांति पूजा करें। पूर्वादि दिशाओं के क्रम से अश्वस्थ, उदुम्बर, वट तथा पाकर ये वृक्ष पूजनीय हैं। इनके सिवा पूर्व दिशा में ऋग्वेद इंद्र तथा शोभन की, दक्षिण में यजुर्वेद यम तथा सुभद्र की, पश्चिम में सामवेद वरुण तथा सुधन्वा की और उत्तर में अथर्ववेद सोम एवं सुहोत्र की अर्चना करें। तोरण फाटक के भीतर पताकाएं फहराई जाएं, दो दो कलश स्थापित हों और कुमुद आदि दिग्गजों का पूजन हो। प्रत्येक दरवाजे पर दो दो द्वारपालों की, उनके नाम मंत्र से ही पूजा की जाए। पूर्व दिशा में पूर्ण और पुष्कर का, दक्षिण दिशा में आनंद और नंदन का, पश्चिम में वीरसेन और सुषेण का तथा उत्तर दिशा में संभव और प्रभाव नामक द्वारपालों का पूजन करना चाहिए। अस्त्र मंत्र फट के उच्चारण पूर्वक फूल बिखेर कर विघ्नों का अपसारण करने के पश्चात मंडप के भीतर प्रवेश करें। भूत शुद्धि न्यास और मुद्रा करके शिखा वशट्स के अंत में फट जोड़कर उसका जप करते हुए संपूर्ण दिशाओं में सरसों छींटें। इसके बाद वासुदेव मंत्र से गोमूत्र, संकर्षण मंत्र से गोमय, प्रदुम्न मंत्र से गोदुग्ध, अनिरुद्ध मंत्र से दही और नारायण मंत्र से धृत लेकर सबको धृत पात्र में एकत्र करें। अन्य वस्तुओं का भाग घी से अधिक होना चाहिए। इन सबके मिलने से जो वस्तु तैयार होती है उसे पंचगव्य कहा गया है। पंचगव्य एक दो या तीन बार अलग अलग बनावे। इनमें से एक तो मंडप तथा वहां की वस्तुओं का प्रोक्षण करने के लिए, दूसरा प्राशन के लिए और तीसरा स्नान के उपयोग में आता है। 10 कलशों की स्थापना करके उनमें इंद्रादि लोकपालों की पूजा करें। पूजन करके उन्हें श्रीहरि की आज्ञा सुनावे। लोकपालगण, आपको इस यज्ञ की रक्षा के लिए श्रीहरि की आज्ञा से यहां सदा स्थित रहना चाहिए। याग द्रव्य आदि की रक्षा की व्यवस्था करके विकिर विघ्न निवारण के लिए सबोर छींटे जाने वाले सरसप आदि द्रव्यों को बिखेरें। 7 बार अस्त्र संबंधी मूल मंत्र अस्त्राय फट का जप करते हुए ही उक्त वस्तुओं को सबोर बिखेरना चाहिए। फिर उसी तरह अस्त्र मंत्र का जप करके कुछ कुचले आवे, उन्हें ईशान कोण में रखकर उन्हीं के ऊपर कलश और वर्धनी को स्थापित करें। कलश में श्रीहरि का सांग पूजन करके वर्धनी में अस्त्र की अर्चना करें। वर्धने की छिन्न धारा से याग मंडप की प्रदक्षिणा क्रम से सींचते हुए कलश को उसके उपयुक्त स्थान पर ले जाएं और स्थिर आसन पर स्थापित करके उसकी पूजा करें। कलश के भीतर पंच रत्न डालें, उसके ऊपर वस्त्र लपेटे, फिर उस पर गंध आदि उपचारों द्वारा श्रीहरि का पूजन करें। वर्धनी में भी सोने का टुकड़ा डालें, उसके बाद उस पर अस्त्र की पूजा करके उसके वाम भाग में पास ही वास्तु लक्ष्मी तथा भूविनायक की अर्चना करें। संक्रांति आदि के समय इसी प्रकार श्री विष्णु के स्नान अभिषेक की व्यवस्था करें। मंडप के कोणों दिशाओं में कुल मिलाकर 8 और मध्य में 1, इस प्रकार 9 पूर्ण कलशों को जिनमें छिद्र न हो स्थापित करके उनमें पाद अर्ध आचमनीय तथा पंचगव्य डालें। पूर्व आदि के कलशों में उक्त वस्तुएं डालनी चाहिए। अग्निकोण आदि के कलशों में उक्त वस्तुओं के अतिरिक्त पंचामृत युक्त जल अधिक डालने का विधान है। पाद्य की अंगभूता 4 वस्तुएं हैं, दही दूध मधु और गर्म जल। किन्हीं के मत में कमल श्यामक तिन्नी का चावल दुर्बादल और विष्णु क्रांता औषधि, इन 4 वस्तुओं से युक्त जल पाद्य कहलाता है। इसी तरह अर्ध के भी 8 अंग कहे गए हैं, जौ गंध फल अक्षत कुश सरसों फूल और तिल, इन 8 द्रव्यों का अर्ध के लिए संग्रह करना चाहिए।
जाति, जायफल, लवंग और कंगोल युक्त जल का आचमन देना चाहिए। इष्ट देव को मूल मंत्र से पंचामृत द्वारा स्नान करावे। बीच वाले कलश से भगवान के मस्तक पर शुद्ध जल का छींटा दें। कलश से निकले हुए जल एवं कुचाग्र का स्पर्श करें। फिर शुद्ध जल से पाद, अर्ध और आचमनीय निवेदन करें। तत्पश्चात वस्त्र से भगवान के श्री विग्रह को पहुंचकर वस्त्र धारण करावे और वस्त्र के सहित उन्हें मंडल में ले जाएं। वहां भली भांति पूजा करके प्राणायाम पूर्वक कुंड आदि में होम करें। हवन की विधि, दोनों हाथ धोकर कुंडन में या वेदी पर तीन पूर्वार्ध रेखाएं खींचें। ये रेखाएं दक्षिण की ओर से आरंभ करके क्रमशः उत्तर की ओर खींची जाएं। फिर इन्हीं के ऊपर तीन उत्तरार्ध रेखा खींचें। ये भी दाहिने से आरंभ करके क्रमशः बाएं खींची जाएं। तत्पश्चात अर्ध के जल से इन रेखाओं का प्रोक्षण करें और योनि मुद्रा दिखावें। अग्नि का आत्म रूप से चिंतन करके मनुष्य योनिक्त कुंड में उसकी स्थापना करें। इसके बाद दर्भ, श्रुक, श्रुवा आदि के साथ पात्रा साधन करें। बाहुमात्र की परिधियां, इंद्रवर्षन, प्रणीता पात्र, प्रोक्षणी पात्र, आज्य स्थाली, घी, दो दो सेर चावल तथा अधोमुक्रुक और सुवात्रा की जोड़ी, प्रणीता एवं प्रोक्षणी में पूर्वार्ध कुश रखें। प्रणीति का उसको जल से भरकर भगवान का ध्यान पूजन करके उसको अग्नि के पश्चिम अपने आगे आसादित द्रव्यों के मध्य में रखें। प्रोक्षणी को जल से भरकर पूजन के पश्चात दाहिने रखें। आग पर चरु को चढ़ाकर पकावें और अग्नि से दक्षिण दिशा में ब्रह्मा जी की स्थापना करें। कुंड या वेदी के चारों ओर पूर्वाद दिशा में कुश बहिर्ष बिछाकर परधियों को स्थापित कर दें। तदनंतर गर्भानादि संस्कार के द्वारा अग्नि का वैश्वीकरण करें। गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोन्नयन, जाति कर्म, नामकरण आदि समावर्तनांत संस्कार करके प्रत्येक कर्म के लिए आठ आठ आहुतियां दें तथा श्रुवायुक्त श्रुक के द्वारा पूर्णाहुति प्रदान करें। कुंड के भीतर ऋतुस्वाता लक्ष्मी का ध्यान करके हवन करें। कुंड के भीतर जो लक्ष्मी है उन्हें कुंड लक्ष्मी कहा गया है। वे ही त्रिगुणात्मिकता प्रकृति हैं। वे संपूर्ण भूतों की तथा विद्या एवं मंत्र समुदाय की योनि है। परमात्म स्वरूप अग्निदेव मोक्ष के कारण एवं मुक्तिदाता है। पूर्व दिशा की ओर कुंड लक्ष्मी का सिर है। ईशान और अग्निकोण की ओर उसकी भुजाएं हैं। वायव्य निर्मित कोण में जंघाएं हैं। उदर को कुंड कहा है तथा योनि के स्थान में कुंड योनि का विधान है। सत्व, रज और तम ये तीन गुण ही तीन मेखलाएं हैं। इस प्रकार ध्यान करके प्रणव मंत्र से मुष्टि मुद्रा द्वारा 15 संविधाओं का होम करें। फिर वायु से लेकर अग्नि कोण तक आधार नामक दो आहुतियां दें। इसी तरह आग्नेय से ईशानता तक आज्य भाग नामक आहुतियों का हवन करें। आज्य स्थाली में से उत्तर, दक्षिण और मध्य भाग से धृत लेकर द्वादशांतक अर्थात मूल को 12 बार जप कर अग्नि में भी उन्हीं दिशाओं में उनकी आहुति दें और वहीं उनका त्याग करें। इसके बाद भू स्वाहा इत्यादि रूप से आहुति होम करें। कमल के मध्य भाग में संस्कार संपन्न अग्निदेव का विष्णु रूप में ध्यान करें। वे सात जिह्वाओं से युक्त हैं। करोड़ों सूर्यों के समान उनकी प्रभा है। चंद्रपोपम मुख है और सूर्य सदृश दैविप्यमान नेत्र हैं। इस तरह ध्यान करके उनके लिए 108 आहुतियां दें अथवा मूल मंत्र से उनकी आधी एवं 8 आहुतियां दें। अंगों के लिए भी 10-10 आहुतियां दें। पवित्राधि वासन विधि। अग्निदेव कहते हैं, मुनीश्वर संपात आहुति से पवित्राओं का सेचन करके उनका अधिवासन करना चाहिए। नृसिंह मंत्र का जप करके उन्हें अभिमंत्रित करें और अस्त्र मंत्र अस्त्राय फट से उन्हें सुरक्षित रखें। पवित्रताओं में वस्त्र लपेटे हुए ही उन्हें पात्र में रखकर अभिमंत्रित करना चाहिए। विल्व आदि के संपर्क से युक्त जल द्वारा मंत्रोच्चारण पूर्वक उन सबका एक या दो बार प्रोक्षण करना चाहिए। गुरु को चाहिए कि कुंभ पात्र में पवित्रताओं को रखकर उनकी रक्षा के उद्देश्य से उस पात्र से पूर्व दिशा में संकर्षण मंत्र द्वारा दंत काष्ठ और आंवला, दक्षिण दिशा में प्रद्युम्न मंत्र द्वारा भस्म और तिल, पश्चिम दिशा में अनिरुद्ध मंत्र द्वारा गोबर और मिट्टी तथा उत्तर दिशा में नारायण मंत्र द्वारा कुशोदक डालें। तदनंतर अग्निकोण में हृदय मंत्र से कुमकुम तथा रोचना, ईशान कोण में शिरो मंत्र द्वारा धूप, नैऋत्य कोण में शिखा मंत्र द्वारा दिव्य मूल पुष्प
तथा वायव्य कोण में कवच मंत्र द्वारा चंदन जल अक्षत दही और दुर्वा के दोने में रखकर छींटे। मंडप को त्रिसूत्र से आवशिष्ट करके पुनः सब ओर सरसों बिखेरे। देवताओं के जिस क्रम से पूजा की गई हो उसी क्रम से उनके लिए अपने अपने नाम मंत्रों से गंध पवित्रक देना चाहिए। द्वारपाल आदि को नाम मंत्रों से ही गंध पवित्रक अर्पित करें। इसी क्रम से कुंभ में भगवान विष्णु को संबोधित करके पवित्रक दें। हे देव, ये आप भगवान विष्णु के ही तेज से उत्पन्न रमणीय तथा सर्वपातक नाशक पवित्रक हैं। ये संपूर्ण मनोरथों को देने वाला है। इसे मैं आपके अंग में धारण कराता हूँ। धूप दीप आदि के द्वारा सम्यक पूजन करके मंडप के द्वार के समीप जाएं और गंध पुष्प और अक्षत से युक्त वो पवित्र स्वयं को भी अर्पित करें। अपने को अर्पण करते समय इस प्रकार कहें, ये पवित्र भगवान विष्णु का तेज है और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला है। मैं धर्म अर्थ और काम की सिद्धि के लिए इसे अपने अंग में धारण करता हूं। आसन पर भगवान श्री हरि के परिवार आदि को एवं गुरु को पवित्र दें। गंध पुष्प और अक्षत आदि से भगवान श्री हरि की पूजा करके गंध पुष्प आदि से पूजित पवित्रक श्री हरि को अर्पित करें। उस समय विष्णु तेजो भवम इत्यादि मूल मंत्र का उच्चारण करें। तदनंतर अग्नि में अधिष्ठाता रूप से स्थित भगवान विष्णु को पवित्रक अर्पित करके उन परमेश्वर से यों प्रार्थना करें। केशव, आपका श्री विग्रह क्षीर सागर में महानाग अनंत की शैया पर शयन करने वाला है। मैं प्रातः काल आपकी पूजा करूंगा, आप मेरे समीप पधारिए। इसके बाद इंद्र आदि दिक्पालों को बलि अर्पित करके श्री विष्णु पार्षदों को भी बलि भेंट करें। इसके बाद भगवान के सम्मुख युगल वस्त्र भूषित तथा रोचना कपूर केसर और गंध आदि के जल से पूरित कलश को गंध पुष्प आदि से विभूषित करके मूल मंत्र से उसकी पूजा करें। फिर मंडप से बाहर आकर पूर्व दिशा लिए हुए मंडल त्रय में पंचगव्य चरु और दंत काष्ठ का क्रमशः सेवन करें। रात में पुराण श्रवण तथा स्रोत पाठ करते हुए जागरण करें। पर प्रेषक बालकों स्त्रियों और भोगी जनों के उपयोग में आने वाले गंध पवित्रक को छोड़कर शेष का तत्काल अधिवासन करें।